अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महजबीन आबिद के साथ। और मौसम हो गया है बहुत ही खूबसूरत, और मौसम खूबसूरत हो, हसीन हो और उसको एंजॉय करने के लिए लोग बाहर ना निकलें तो ऐसा पॉसिबल नहीं, और जहां लोग हों वहां मैं ना पहुंचूं ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो आज हम मौजूद हैं चिनाब रोड पार्क में और देखेंगे कि आज हमें किस किस्म के लोग मिलने वाले हैं, कैसे कैसे इंटेलिजेंट, ज़हीन, टॉकेटिव से और इंटरेस्टिंग से लोग मिलने वाले हैं। उनसे हम मज़े मज़े के सवाल करेंगे हमेशा की तरह ही, और कॉमन सेंस क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि किसका कितना आई क्यू लेवल है, किस में कितना कॉमन सेंस है, कौन कितना ज़हीन है, कौन कितना टैलेंटेड है। तो हमेशा की तरह ही आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, लोगों की जानब बढ़ते और बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी, मौसम है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हसीन और ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। और आज हम मौजूद हैं चिनाब रोड पार्क में, जहाँ पर लोग आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, एंड देयर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। यहाँ पर एक लड़की मौजूद है, इनसे ज़रा गपशप कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद इस किस्म की जगह पर हमारा आना हुआ, तो क्यों ना इसका मजा उठाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हैं जी? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चले, वेरी गुड। नाम क्या आपका? आयजा। आयजा, आयजा का मतलब क्या होता है? इज्जत वाली। इज्जत वाली, वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में हैं आप, जिंदगी के मुश्किल फेज में खड़ी हैं। क्या सोचा है कि क्या करना है आगे? अभी कुछ नहीं सोचा, अभी बस ये अच्छे से पास हो जाए। तो कितनी देर देती हैं वैसे आप पढ़ाई को? कल तो मैंने 5 घंटे दिए हैं। 5 घंटे इज़ टू मच। वैसे जब पढ़ रही होती हैं आप तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं होता, यानी आप बिल्कुल फोकस्ड रहती हैं, किताब खोलिए तो बस किताब पे नज़र है? हाँ। ओके। कमरे में अकेले? अलग कमरे में अकेले। अगर आप पढ़ रही हों और पीछे से थोड़ा सा स्लो म्यूज़िक चला दिया जाए तो क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी? सर्दियों में, क्योंकि हवा तो होती नहीं है पंखे से जो कंपनसेट हो जाए, तो इसलिए। हाँ, ओके जी, ठीक है, ये भी अच्छा लॉजिक है। मुझे बताएं, जब आप फ्री होती हैं तो आप क्या करती हैं? मोबाइल। मोबाइल यूज़ करती हैं, और मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है यूज़ होने वाली, आप कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं? यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यूट्यूब और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपको क्यों पसंद है ज़्यादा? क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की खबरें भी मिल जाती हैं, और अच्छी अच्छी तस्वीरें भी होती हैं एक्टर्स की और दुनिया की। वेरी नाइस, यानी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी ऐप है। ग्लैमर है सारा। ग्लैमर है, और आप ग्लैम को इन्जॉय करती हैं? हाँ जी। ओके जी, अब हो जाए आपसे एक मज़े का सवाल, क्योंकि खाना पीना भी चलना है यहाँ पे, और खाना पीना भी चल रहा है, पार्क तो है, साथ साथ बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, अब खाएं पिएंगे नहीं वो भी इस मौसम में, तो फिर तो नहीं चलता ना। अच्छा, खाने पीने से रिलेटेड एक बहुत ही मज़े का सवाल है, और सवाल कुछ यूँ है कि वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है? बड़े अच्छे से चावलों को किया जाता है, दाल को किया जाता है। ठीक है, और किसी को? आई डोंट नो। और यू डोंट नो? नो, बस दिमाग चावल पे अटक गया। हाँ। ओके, ठीक हो गया। एक और सवाल कर लेते हैं। अब आप फ़र्ज़ करें आयजा कि आप एक कमरे में बंद हैं, और ना कोई दरवाज़ा है जहाँ से आप बाहर निकल सकती हैं, ना कोई खिड़की है, और आप फ़र्ज़ करने में इतनी गुम हो चुकी हैं, मुझे बताएं बाहर कैसे आएंगी उस एक बंद कमरे से? बस आँख खोलनी और वापस आ गए, तसव्वुर ही कर रहे हैं ना। वेरी गुड, यानी कि आयजा बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू। मैं तो हैरान हो गई कि अभी तो मैंने आपको मज़ीद घुमाना था, लेकिन लगता है आप बहुत शातिर हैं, बड़ी तेज़ हैं। क्या, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, वेरी गुड, कभी गरूर नहीं किया। ठीक हो गया, इसी खुशी में आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपने 6 दफ़ा, सिर्फ 6 दफ़ा तेज़ी से बोलना है सुशी शेफ। सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी सुशी क्या होता है? सुशी। हाँ, सुशी शेफ। सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ। एक दफ़ा सुशी हो गया है? नहीं, नहीं हुआ। नहीं। चलो जी, लगता है आपके लिए हर चीज़ आसान है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, आप कहते हो नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती? कोई ऐसा काम है लाइफ में, दुनिया में, जो आप कहती है कि नहीं यार आई कैन नॉट डू इट? ऐसा कुछ इजाद ही नहीं हुआ। नहीं। चलें जी, ठीक है, आयजा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करें। थैंक यू। वेरी गुड जी, थैंक यू। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कितने और लोग मौजूद हैं, कितने बच्चे मौजूद हैं, जिनसे आज हम हमेशा की तरह करेंगे मज़े मज़े के सवाल और खूब इंजॉय करेंगे। यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, इनसे ज़रा हम गपशप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितनी ठीक हैं? बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक है। अच्छा, आपको तैयार किसने किया आज?
मेरे दादा ने किया था, मेकअप मेरे दादा ने किया था और सारा कुछ मैं खुद तैयार हुई थी। सारा कुछ आप खुद तैयार हुई हैं, लेकिन मेकअप किसने किया? दादो ने मेकअप किया है। दादो के साथ आपकी अटैचमेंट अच्छी लग रही है मुझे। यस। ओके जी, माशाल्लाह। नाम क्या आपका? सईदा इकरा फातिमा। इकरा का मतलब पता है इकरा को? पढ़ना। ओके, कितना पढ़ती हैं आप? बहुत पढ़ती हैं। कितना पढ़ती हैं? पहले स्कूल 8:15 से 2 o'clock तक, फिर ट्यूशन 1 घंटे बाद। ओके। वहाँ पे फिर 4 o'clock से 4 o'clock से 6 तक पढ़ती रहती हैं। यानी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा और कोई काम ही नहीं? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। और बनना क्या अच्छा लगता है? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। ओके, फैमिली राजी है इस बात पर? हाँ जी। ओके जी, शुक्र है फैमिली किसी बात पर राजी तो हुई। चलें जी, वेरी गुड। मुझे बताएं कि आप जब फ्री होती हैं तो आप क्या करती हैं? मैं पेंटिंग्स बनाती रहती हूँ। घर पे चार ग्लू चीज़ें होती हैं तो मैं पेंटिंग्स बना लेती हूँ। यानी आर्टिस्टिक दिमाग की बच्ची हैं आप, आर्ट्स का बहुत शौक है। आज तक सबसे अच्छी पेंटिंग या ड्राइंग या स्केचिंग किस चीज़ की बनाई है? मैंने ना पेंसिल से एक ना कैट और मून ड्रा किया था, वो मम्मा को अच्छा लगा था। फिर मैं स्कूल ले गई थी, टीचर ने ना बोर्ड के ऊपर लगाया था। फिर वेरी नाइस, आपने बनाया और टीचर ने बोर्ड पे लगाया, और फिर टीचर ने ना कहा सब वेरी नाइस, ऐसे आप वो करती रहना कोशिश। तो यानी ये आपका शौक है। वैसे कौन सी क्लास में आप? थ्री क्लास में हैं और बड़ी हो के डॉक्टर बनना है। और मुझे लगता है कि आप ना ज़रा सी सही शरारती हैं। यस। देखा, मैं गलत नहीं हो सकती अब बच्चों के मामले में। शरारतें करती हैं आप, थोड़ी सी शरारत अगर आपने मुझे सिखानी हो, मुझे बताओ कैसे शरारतें करूँ मैं? मैं कभी कभी मामा को तंग करती हूँ, कभी कभी तंग करती हैं। और मामा के अलावा अगर किसी को तंग करना हो तो कैसे करें? मैं किसी की ना कोई चीज़ होती है उसको उठा लेती हूँ, बाकी मैं फिर रखती नहीं हूँ। नहीं, यानी आप चीज़ें गुम कर देती हैं। यस। मज़ा आता है? मज़ा आता है। तो वो अभी तक तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई होंगी, लोगों की उठाई हुई, गुम की हुई। यस। ओके, तो यानी ये भी एक हुनर है? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो इकरा, फ़र्ज़ करो, इमेजिन करो, आप एक कमरे में बंद हैं, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है, बाहर कैसे आएंगे कमरे से? ना दरवाज़ा है ना खिड़की है। साथ क्या है? इकरा क्या करेंगे कि उस कमरे से बाहर आ सके? फर्ज करने में गुम हो चुकी हैं। क्या करेंगी? वैसे आपको डर लगता है अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में रहना? नहीं, डर नहीं लगता। मेरे ब्रदर को डर लगता है। आपको किसी चीज़ से डर लगता है? नहीं। किस चीज़ से डर नहीं लगता? नहीं। चिपकली से? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो फिर यानी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिससे आपको डर लगता हो? एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट तो बिल्कुल नहीं, लायन, अगर किसी के पास चली जाऊँ तो फिर उनसे तो लगेगा ना। ओके, अब फिर ये बताएं कमरे से बाहर कैसे आएंगे? कमरे से बाहर कमरे में कोई चीज़ पड़ी हुई है? कमरे में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, फिर कैसे? ओह नो, I don't know करके बाहर आएंगे ऐसे? नहीं ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैं पहली आकल में सलाजी नहीं हूँ ना, हम खेलते रहते हैं। चलो फिर मुझे कोई अच्छी सी पोइम सुना दो, ये तो कर सकती हो। पोइम एक भूल गई हूँ, एक पोइम भूल गई है। ट्विंकल ट्विंकल जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, स्माइलिंग लाइफ नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। वेरी नाइस, इकरा से बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे बताएं अब आपने क्या करना है? जो आप कहेंगी वही करूँगी। मैं कहती हूँ कि अपना ख्याल रख लें। ओके, वो तो बहुत रखती हूँ, एक मिनट बाद भूख लग जाती है, खाती रहती हूँ। एक मिनट बाद भूख लग जाती है और खाती रहती है। खाने में क्या पसंद है? खाने में घर का हेल्दी फूड में दाल चावल, और बाहर के फास्ट फूड में चिप्स, जूस और चॉकलेट। बस ठीक
ठीक है जी, इकरा बहुत ही मज़े की बच्ची हैं आप, और मुझे बहुत सारी शरारतें भी सिखाई हैं कि लोगों की चीज़ें उठा लें और अपने पास जमा करते रहें, यानी कि उनको परेशान करें, उनकी चीज़ें उठा के गायब कर दें, और ट्विस्ट ये है कि उनको वापस भी ना करें। इसी के साथ हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग हमें आज मिलने वाले हैं, कितने बच्चे मिलने वाले हैं, कितने ज़हीन, कितने शरारती, कितने इंटेलिजेंट और कितने इंटरेस्टिंग, तो उनके जाने बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली मुल्तान का मौसम भी चेंज हो गया, शुक्र है, और लोग मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, और मैं मौसम के साथ साथ लोगों की बातों को भी इंजॉय कर रही हूँ, और लोग शायद मेरे मज़े मज़े के सवालात को भी इंजॉय कर रहे हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, इनसे हम ज़रा बातें शातें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत ठीक। बहुत ठीक है, कितनी ठीक है? बहुत ठीक क्या होता है? बहुत सारा ठीक, इतना सारा या इतना सारा, इतना सारा या इतना सारा, इतना सारा। ठीक है जी, नाम क्या आपका? शाहजारा। क्या नाम है? शाहजारा। शाहजारा, ओके। शाहजारा का मतलब क्या होता है? नहीं पता। ये नहीं पता? कौन से क्लास में है? टू। टू क्लास में है। बड़ी हो कि शाहजारा ने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताए, शाहजारा को किसी चीज़ से डर लगता है? किसी चीज़ से नहीं लगता। ओके, शाहजारा को अगर मैं कहूँ कि बहुत सारा पानी है, उसके सामने जाके खड़ी हो जाएं, डर तो नहीं लगेगा इतने सारे पानी से? लगेगा। लगेगा ना? फिर फिर यानी डर लगता है। ओके जी, चलो एक सवाल करें मज़े का आपसे। मुझे ये बताओ, क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले हम अच्छे तरीके से साफ करते हैं, धोते हैं? प्लेट। प्लेट। एप्पल। प्लेट कभी कभी वैसे साफ ही होती है। एप्पल। एप्पल। और ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज को धोते? ओह नो। अच्छा चलो चलो छोड़ो, अच्छी सी पोएम सुना दो, ऐसी पोएम कि मेरा दिल खुश हो जाए। शाहजारा से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब शाहजारा ने क्या करना है? फैमिली के साथ बैठना है, कुछ खाना पीना भी है? ओके जी, खाना पीना भी है, इंजॉय भी करना है, बच्चों के साथ खेलना तो है ही, लेकिन इंजॉय भी करना है, क्योंकि मुल्तान का मौसम हो गया है बहुत ही अरसे बाद चेंज, जो कि होना था बेशक 2-3 महीने के लिए ही सही, लेकिन एटलीस्ट चेंज तो हुआ, तो इसको इंजॉय ना करें तो फिर क्या करें। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आज काफ़ी अरसे बाद एक पार्क में आना हुआ है, चनाब रोड पार्क में, और देख रहे हैं कि लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, और हमने किस तरह इंजॉय करना है लोगों के साथ। यहाँ पर एक फैमिली ठहरी है, लेकिन उनके तरफ बढ़ने से पहले हम इस छोटे पैकेट से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सलवा। सलवा, ओके। सलवा मुझे बताएं, स्कूल जाती हैं? हाँ जी। अच्छा जी, कौन सी क्लास में है? प्रेप में है या नर्सरी में है? मुझे ये बताएं कि आप स्कूल जाती हैं या घर में पढ़ती हैं? स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, ABC तो आती होगी ना फिर आपको, आप स्कूल भी जाती हैं। चलो ABC सुना दो मुझे प्लीज़। चलो अच्छा ये बता दो, ए फॉर? A for apple. A for apple. B for? Ball. C for? Catch. Very nice. Or D for? D for duck. Yes. Yes. अच्छा मुझे ये तो बताएं कि सलवा घर में क्या करती रहती हैं? TV देखती हैं या खाती रहती हैं? TV देखती हैं। ओके, टीवी देखते हैं। टीवी पे कार्टून कौन से देखती हैं? मोटू पतलू। मोटू पतलू। और अच्छा चले मुझे ये बता दें, आज आपको तैयार किसने किया? मम्मा। मम्मा ने तैयार किया। अच्छा एक राज की बात तो बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मामा ज़्यादा अच्छे हैं या बाबा? बाबा। बाबा ज़्यादा अच्छे हैं। और बाबा ज़्यादा अच्छे क्यों हैं?
मुझे प्यार करते हैं। आपको प्यार करते हैं बाबा? हर वक्त प्यार करते हैं या बस कभी कभी प्यार करते हैं? आपकी हर बात मानते हैं जी। आपको खाने की चीजें ला के देते हैं जी। आपको घुमाने लेके जाते हैं जी। और मामा क्या करती हैं? मामा काम करती है। मामा काम करती है तो आप उनका हाथ बटाती हैं या नहीं? Oh, no. मामा की हेल्प करती हैं किचन में जी। क्या बना लेती हैं आप खाने में? कुछ बना लेती हैं? मैं तो छोटी हूँ। अभी आप छोटी हैं? छोटी तो मैं भी हूँ। मैं भी तो छोटी हूँ ना, बिल्कुल आपकी तरह छोटी हूँ ना। अच्छा चलो, खाना बनाना नहीं आता, खाना खाना तो आता है ना। क्या खाती हैं? सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? जब रोटी खाती हूँ सो जाती हूँ। रोटी खाती हैं और सो जाती हैं? रोटी के साथ तो कुछ खाती हैं ना, चिकन खाती हैं, दाल खाती हैं। ओके ठीक है जी, इतनी सी बात करने की हिम्मत थी। तो अब हम इनके पेरेंट्स की जानिब बढ़ते हैं, इनसे ज़रा कुछ जानते हैं और मज़े के सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्लाह का, ठीक आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं ना कि सर्दियाँ आ नहीं रही, सर्दियाँ आ गई हैं, ये मौसम ज़्यादा पसंद है या गर्मियाँ पसंद? मुझे तो सर्दियाँ पसंद हैं और मुझे ज़्यादा गर्मियाँ पसंद हैं। इतना बड़ा डिफरेंस ज़मीन आसमान का कि आपको सर्दियाँ पसंद है, आपको गर्मियाँ पसंद हैं, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? बस मैनेज हो जाता है। एक दूसरे को मान लेते हैं और मौसम जैसा भी हो फिर करना तो पड़ता ही है। और मौसम मानते हैं, वो मेरी मानती है, ठीक है। मौसम तो बदलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ तो नहीं बदल जाते? ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। 4 साल हो गए हमारी शादी को और माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा। मतलब किसी चीज़ कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है हर चीज़ से, तो बस चल रहा है सिस्टम। शुक्र चल रहा है। गुजार रहे हैं या जी रहे हैं? तो गुजर भी रहे और जी भी रहे और बहुत अच्छा अच्छा गुजर रहा है। अच्छी लाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। अभी से ही आप लोगों को सुन के मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई। आपका नाम क्या है? अक्सा। अक्सा और आप? मुजम्मिल। अक्सा और मुजम्मिल, क्या हम ये जान सकते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? 2011 में हुई थी। 2011 में इतना बड़ा चेंज आया था आप लोगों की ज़िंदगी में। ओके, कभी कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, गुस्सा कौन सबसे ज़्यादा करता है? पता, मैंने आपकी आँखी नज़रें मैंने पढ़ ली, जब आपने इनको देखा है ना वो मैंने देख लिया। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जहालत हो, लाइक थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये कि ये चुप हो जाते हैं। हाँ जी, अगर मैं बोल रही हूँ एक साइड पे चुप रहेंगे तो फिर मामला हल हो जाते हैं, अगर दोनों तरफ से बोलेंगे तो फिर तो मामला खराब ही होंगे। सिचुएशन में चुप रहना भी कितना मुश्किल हो जाता है ना, तो ये आपने स्किल कहाँ से सीखा या सब्र आ गया? ये शुरू से ही ऐसे हैं। आप शुरू से ही ऐसे हैं? आप शुरू से ऐसे हैं? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे कर लूँ, लेकिन पहले आप मुझे श्योरिटी दें कि चीटिंग नहीं होगी। ओके डन, चीटिंग नहीं होगी, कमिटमेंट हो गई है। अगर आप कमिटमेंट तोड़ दी तो? नहीं नहीं तोड़ेंगे। ठीक हो गया, आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि फ़र्ज़ करें आप एक कमरे में बंद हैं, कमरे में कुछ नहीं है, अंधेरा है सिर्फ, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है, उस बंद कमरे से बाहर कैसे आएंगी? दरवाजा है ना खिड़की है, अंदर ही रहूंगी फिर। अंदर रहेंगी आप जी? मतलब आपके खावंद भी नहीं होंगे? अच्छा हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन। खाने को भी कुछ नहीं है, बेटी भी नहीं, दिस इज टू डिफिकल्ट, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन हम आपसे करें तो? क्वेश्चन रिपीट करें। जी जी, क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट करें कि आप एक कमरे में बंद हैं, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है, उस कमरे से बाहर कैसे आएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है ये तो, हिस्ट्री का मुश्किल सवाल है। बंद हैं, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है, फिर कैसे आएंगे? पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल तो फिर नहीं है। चलें, आप सिर्फ बंद नहीं है, सिर्फ आप भी बंद हैं, दोनों इकट्ठे बंद हैं, बाहर भी आना। तो बात तो वही है, कमरा तोड़ेंगे। दीवार तोड़ने के लिए क्या आप सर से तो नहीं तोड़ेंगे? ओह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कमरे में, बस एक दूसरे का साथ है, ये तो है। अब इस साथ को कैसे यूटिलाइज करें कि कमरे से बाहर आए? सॉरी
Oh no! और फर्ज करने में इतना गुम हो गए हैं। कोई बात नहीं, दूसरा सवाल कर जी। दूसरा सवाल ये है, अपने दोस्तों से भी पूछेंगे कि वो भी नहीं हमें जवाब दे सकती। ये जवाब मेरे अलावा शायद कोई नहीं दे सकता। चलो दूसरा सवाल बाद में दे दीजिएगा। ओके डन, डील डन। दूसरा सवाल, वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है? सिर्फ आपसे सवाल है। खाने की चीज़ है? खाने की चीज़ नहीं है। आपने सवाल किया इसलिए मैंने जवाब दे दिया, वरना मैंने इतना बड़ा हिंट देना नहीं था किसी को। अच्छा अच्छा, दोबारा से रिपीट करें क्वेश्चन। वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है? इतनी बड़ी हिंट भी दे दी है। खाने की चीज़ है? क्या चीज़? जिसे खाने से पहले। हाथ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके लिए है टास्क, चूंकि आपने जवाब नहीं दिया तो आपके लिए एक टास्क है, आपने बोलना है 6 दफ़ा लेकिन तेज़ी से। सुशी शेफ, जहां आप गलत हुई, जहां आपसे गलत हो गया, आप ना बोल पाई, दोबारा शुरू हो जाएगा। ओके, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, गलत हो गया। सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, शेफ 5 दफ़ा। हाँ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ। ओके डन डन डन, ठीक है जी, गुजारा हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही रहें, मेरी दुआ है आपके लिए। आज हमें मिल रहे हैं बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग और कुछ प्यारे से खूबसूरत से कपल्स भी। तो एक और कपल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? शाह। शाह मंसूर। शाह मुदस्सर मंसूर शाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? अगर हम आपसे थोड़ी थोड़ी उर्दू बोल लें तो क्या आपको समझ आएगी? Understand little bit. Can you understand उर्दू? Not so much. No. Okay, तो यानी इंग्लिश में बातचीत करनी है। ठीक है जी, आप दोनों की शादी कब हुई? हमारी शादी हुई थी 2019 में। 2019 में, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इतनी बड़ी हो जाएगी कि प्रोग्राम छोटा है, मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन स्किप रात हो जाएगी। रात हो जाएगी। अच्छा चलें, फिर इतना बता दें कि बन रही है अच्छी खासी? अच्छी बन रही है। ये हम स्वीडन से आए हैं तो ये मेरे लिए स्पेशल, हम ये कल्चर देखना चाहती थी, पाकिस्तानी कल्चर। तो 4 साल बाद मैं स्वीडन आया हूँ अपनी वाइफ के साथ। शादी तो 2019 में हुई थी लेकिन मैं 4 साल बाद आया हूँ, उन्होंने भी कल्चर देखना था तो बहुत खुश हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ओके, व्हाट्स योर नेम? डेनिस। डेनिस, ओके, व्हाट डज दैट मीन? इट डजंट हैव अ मीनिंग। इट डजंट हैव अ मीनिंग, ओके। कैन यू टेल मी हाउ इज़ द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान? इज़ इट वर्थ इट और नॉट? एब्सोल्युटली वर्थ इट। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो कैन वी कॉल कि दिस इज़ अ क्वालिटी टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान? या, जस्ट टू मीट हिज साइड ऑफ फैमिली, टू गेट टू नो द फैमिली, इट्स रियली नाइस। लाइक, ओके, what is your thinking about it, or what is your thinking about this concept, that is interaction good with people or not? What is the importance of interaction and communication in life? Logo se baatcheet, mail jol, interact karna, it's very important to have a good connection, especially with family. It's very important, but in these times with the corona, it's also important to think about safety and not to spread if you are sick, like even to your family, to put other people before yourself. Very nice, what a nice message as well. Acha, there's a question. How would you like to describe Pakistan in one word? Love. Love, very good. And how would you describe him in a word? Wow, love, very nice. Mashallah, mashallah, mashallah. आपने भी ज़रूर माशाल्लाह बोलना है। ये तो बड़ा अच्छा जवाब मिल गया। देखें जी, हमने तो जो परफॉर्म कर दिया है उसमें ही सब कुछ है। बिल्कुल, उसमें ही सब कुछ है और इन जज्बात को अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रोग्राम आपका शॉर्ट है। प्रोग्राम शॉर्ट है, शायद ज़िंदगी भी शॉर्ट हो जाएगी। तो तालियाँ, तालियाँ जी आपके लिए। एक मज़े का सवाल है, दोनों डिस्कस कर सकते हैं। एक आपने फ़र्ज़ करना है कि आप एक बंद कमरे में बंद हैं, बंद कमरा, और बंद कमरा इस तरह से कि ना दरवाज़ा है ना खिड़की है, देर इज़ नो डोर, नो विंडो, और आप बंद हैं। हम कैसे बाहर आए? हम बंद ही नहीं हैं जब उसमें दरवाज़ा ही नहीं है। बंद ही नहीं है? बंद ही नहीं है जब उसमें। ये भी अच्छा था।
आप खुद कह रही हैं उसमें दरवाजा ही नहीं है। दरवाजा ही नहीं तो लेकिन आप फर्ज कर, हम फर्ज ही नहीं करते तो हम अंदर ही नहीं है। आप फर्ज करें ना। नहीं हम कहने पे कर लें, हम फर्ज ही नहीं करते तो हम अंदर ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. यानी कि आप जब उस इमेजिनेशन से बाहर आएंगे तो ही आप उस दरवाजे से बाहर आए। लास्ट में आपने देना है इनके लिए कोई पैगाम वहाँ देख के। जी मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और हमारा टूर बस अभी शॉर्ट ही रह गया है, तो हमने इंशाल्लाह अब ये फेमिलियर हो गई है यहाँ से, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। तो मैं से कल्चर दिखाना चाहता था, लेकिन बस मेरा मैसेज यही है कि आई वांट टू लिव विद हर माय होल लाइफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड लॉट्स ऑफ थॉट्स फॉर यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही रहें, स्टे एंड स्टे सेम। इसी के साथ हम चलेंगे आगे, लेकिन हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आज मौसम को एंजॉय किया जा रहा है कुछ बहुत ही खूबसूरत लोगों के साथ चिनाब रुथ पार्क में, और एंजॉय कर रहे हैं हम और आप मुख्तलिफ सवालात करके, गपशप करके और एंटरटेन हो के। यहाँ पर एक कपल मौजूद है, इनके साथ हम बातचीत ज़रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनकी कितनी बॉन्डिंग है, कितनी पर्सन जो है वो अच्छी बॉन्डिंग है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। करें वेरी नाइस। मेरे से भी पूछ लें कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज तो मैं नॉर्मल से ज़्यादा फ्रेश हूँ क्योंकि मुझे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। ओह नाइस, थैंक यू, सेम हियर। वेलकम, यू आर वेलकम। नाम क्या आपका? मसफ। मसफ, मसफ का मतलब? नमाज के लिए सफ बांधना। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ये नाम आपका किसने रखा था? मेरी खाला ने। खाला ने, वेरी गुड। खाला से कितनी बनती है? बहुत बहुत बनती है। हाँ बहुत। लाइक सिस्टर्स? ना, 10 साल हो गए मैं उनके पास ही रहती हूँ लाहौर में। 10 साल हो गए हैं आप उनके पास ही रहती हैं? वेरी गुड। नहीं रहती, पेरेंट्स के साथ नहीं रहती। ओके ठीक हो गया। लेकिन अब मैं इनके साथ रहती हूँ। जी अब आप इनके साथ रहती हैं, मैं इसीलिए उनकी जानिब बढ़ रही थी। आपका नाम क्या है? हसनैन जिगर। हसनैन जिगर। हसनैन जिगर, पेन नेम ऑफ माय ग्रैंडफादर। ओके ओके, तो लोग आपको हसनैन के नाम से बुलाते हैं, कहते हैं ओ जिगर बात सुनो। मोस्टली जिगर बुलाते हैं, इवन के यूनिवर्सिटी में भी जब मैं मैस्कॉम में पढ़ता था तब भी मुझे सारे फ्रेंड्स जिगर के नाम से बुलाते हैं। वेरी नाइस, ये तो बड़ा अच्छा नाम हो गया। आप किस नाम से? इवन दो गर्ल्स भी जिगर। गर्ल्स भी जिगर के नाम से बुलाती हैं, और जब गर्ल्स जिगर के नाम से बुलाती हैं तो ये वाला जो है सिनेरियो ऑन हो जाता है। आप किस नाम से बुलाती हैं? शैना। शैना, अब शैना का मतलब क्या है? बस मुझे अच्छा लगता है इनको। शैना, शैना। ओके शैना, और आप किस नाम से बुलाते हैं इन्हें? मैं इन्हें मोना। मोना, शैना मोना। शैना मोना, ओके डन। अगर हम मोना से, मोना आपसे एक सवाल करें। जी मज़े का। बिल्कुल कोई मसला तो नहीं होगा आप सवाल करने? नो नो इशू। ओके जी डन। जवाब देना है आपने, सही ना भी हो तो मज़े का और अजीबो गरीब होना चाहिए। ओके जी, फर्ज करें आप एक कमरे में बंद हैं, एक कमरा है, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है, आप बाहर कैसे आएंगे? चीटिंग नहीं करनी प्लीज। हाँ, जिसका दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल इससे बड़ी ये है कि आप हेल्प नहीं कर सकते। तो यार जिसके दरवाज़ा खिड़की नहीं है उसकी दीवार टूटी ही होगी ना। दीवार भी है? दीवार भी है। फर्ज भी कर रही हैं, छत पर कैसे जाएंगी? दीवार को बंदरों की तरह बंदरों की तरह दीवार में चढ़ के। यस, यानी आपको ये हुनर भी आता है? बिल्कुल। ओके जी, केबिन क्रू। वेरी नाइस वेरी नाइस, फिर तो आना भी चाहिए। अच्छा लाइफ कैसी गुजर रही है जब ये साथ नहीं होते तो? वैसे अभी तो लाइक थोड़े दिन ही हुए हम साथ साथ ही रहते हैं। ओके ओके माशाल्लाह, वेरी नाइस। 5 दिन हुए अभी हमें। 5 दिन हुए हैं? It's been 5 days since you're together. मुझे ये बताएं क्या प्लान्स हैं, कहीं घूमना फिरना है? जाएंगे, देखेंगे, अभी बाहर जाने का प्लान है अभी हमारा। ओके ओके, बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे। आपने क्या ये डिमांड रखी हुई है कि गोल रोटी बनानी आनी चाहिए? नहीं, रोटी मेरी मिसेज अच्छी बनाती है। अच्छी बना लेती हूँ। ओके, गोल हो या ना हो? ना, इट्स ओके। इट्स ओके ओके, जो उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, अब गोल हो ट्रायंगल और रेक्टेंगल, अब तो खानी पड़ेगी। पड़ेगी जी, बिल्कुल तो खानी पड़ेगी, अब कुछ नहीं हो सकता। आपसे एक सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, धोया जाता है? मेरे ख्याल से तमाम ऐसी चीज़ें जिन्हें खाने से पहले साफ भी किया धोया भी जाता है। अगर हम कोई एक पूछ लें, अगर आपको कोई एक बतानी पड़ जाए तो बता दूंगा मैं। कोई भी चीज़ खाने वाली है बता दें, कुछ भी है।
आपको क्या लगता है वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है? हाथ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जीत गए जीत गए जीत गए। इसी खुशी में, बल्कि इसी गम में कि आपने जवाब नहीं दिया, इसी गम में आपने टंग ट्विस्टर करना है, 6 दफा तेजी से बोलना है सुशी शेफ। 6 दफा सुशी शेफ। ठीक है जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही रहें। थैंक यू सो मच। हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कौन आज बन रहे हैं हम और आपका हिस्सा, और कौन कितनी खूबसूरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कौन लोग हैं जो इस खूबसूरत से मौसम को इन्जॉय कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जिनके साथ हमने सवालात करके इन्जॉय करना है, तो आगे चलते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, बात हो रही है खूबसूरत से कपल्स के साथ, और एक और कपल माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। बिल्कुल परफेक्ट जी, बिल्कुल कोई मसला नहीं। नथिंग जी, वेरी गुड। मेरे से भी पूछ लें। आप कैसे हैं? आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इस कहानी को शुरू हुए कितना अर्सा हो गया है? कहानी को शुरू हुए तो तकरीबन 5 साल हो गए हैं, और हम दोनों की अरेंज मैरिज थी। वेरी नाइस। जो कि अब लव में कन्वर्ट हो गई। अरेंज लव में कन्वर्ट हो गई है, दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह। क्या सोचा है, क्या करना है आगे, कुछ मिलके करना है या कुछ भी नहीं सोचा? नहीं, बहुत कुछ प्लान होते हैं ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी है तो प्लान भी चल रहे हैं, और हम दोनों मिलके चल रहे हैं। मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी मिसेज भी जॉब करती है। वेरी गुड। और माशाल्लाह सब बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, अगर आपकी बात से मुझे एक ज़रा आइडिया आ गया है, अगर लोगों को आपने वुमेन एम्पावरमेंट पर कोई मैसेज देना हो कि ख़वातीन का काम करना भी ज़रूरी है, उन्हें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आपका क्या पैगाम होगा लोगों के लिए? जी मैं चाहूँगा कि वो अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर जॉब कर सकती हैं तो जॉब करें, घर भी साथ उन्होंने चलाना है, घर के काम भी होते हैं, और जॉब भी करें, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी आपने लाइफ स्लो आफ्टर सो मच एजुकेशन देन हाउ यू कैन स्टे एट होम इतनी सारी एजुकेशन के बाद, तो इफ़ ही इज़ ये मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं इस मामले में माशाल्लाह। यानी अगर दोनों राजी हैं तो फिर कोई मसला नहीं है? जी बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दोनों, कुछ ये देखते हैं घर में, कुछ मैं देखता हूँ, दोनों मिलकर चला। वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि एक होता है ना चिड़चिड़ापन, वो किस में है आप दोनों में से? मुझ में शायद। फिर आप हैंडल कैसे करती हैं? अब लगता है आपकी तरफ आना पड़ेगा। बस स्माइल दे दी, ठीक हो जाता है। इतना आसान सा हल है इस बात का? ये सुन लेती है मुझे थोड़ी देर, और उन्हें पता है मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा होता हूँ, फिर ये सुन लेती है चुप करके, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। वेरी नाइस वेरी नाइस। नाम तो मैं पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वहीद है। वहीद। आप? सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा फातिमा ज़हरा और वहीद, आपसे पूछना एक मज़े का सवाल, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? ओके जी। वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है? ये सवाल आपकी खिदमत में पेश है। हाथ। हाँ, तो वेरी नाइस लगता है। COVID-19 की वजह से ना सबके जहनों में ये चीज़ बैठ गई है कि हाथ धोने हैं, कुछ धोएं ना धोएं, फ्रूट्स धोएं ना धोएं, प्लेट्स धोएं ना धोएं, हाथ ज़रूर धोएं। अच्छा जी, आपसे अब सवाल करते हैं, ठीक है? चीटिंग नहीं चलेगी। ओके, फ़र्ज़ करें आप एक कमरे में बंद हैं, ना दरवाज़ा है ना खिड़की है जहाँ से आप बाहर आएँ, क्या करेंगी, कैसे बाहर आएँगी? कैसे बाहर आऊँगी? जब डोर ओपन होगा तब बाहर आऊंगी। यानी इंतजार में बेशक जिंदगी गुजर जाए, दरवाजा खुलेगा तो बाहर आएंगे, कह सकते हैं। कह सकते हैं। ओके जी, आप दोनों के लिए टास्क है, पहले 5 दफा आप बोलेंगे सुशी शेफ, फिर 5 दफा सुशी सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, 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 सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब आप बेगम। सुशी सुशी शेफ, शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ, सुशी शेफ। वेरी नाइस। कोई शौक है काम करने के अलावा, कोई गुलुकारी, कोई शेरो शायरी? मुझे कुछ हद तक है, लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक। सुनने की हद तक। अगर कोई शेर कहना पड़ जाए अभी तो शेर दिमाग में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप पढ़ने का, कुछ भी पढ़ने का, गाने का, अदाकारी का? मौला हुसैन का फरमान है कि बहस से गुरेज करें।
बहस से गुरेज, बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इस चीज़ को परसू कर दिया। शेर और भी है कि मिल नहीं सकती निकम्मों को ज़माने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे मोटिवेशन मिल गई है आपके मैसेज साहब से बात करके, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही रहें, अपना ख्याल रखें। हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो आज मौसम के साथ साथ लोगों की बातों को, आपस में कपल्स की बॉन्डिंग को देख के और फील करके बहुत मज़ा आ रहा है, और इस मौसम की खूबसूरती को फील करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम चलते हैं और आगे बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। और जी, बात को हम कंटिन्यू करते हैं, सवालात हो रहे हैं और अब बारी है इस बॉय गेम से, जरा हम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। नाम क्या आपका? हैदर हसन। हैदर हसन, हैदर हसन, मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? क्या करता हूं? कोई काम करते हैं? काम ही पढ़ता हूं, हिफ्ज़ कर रहा हूं। ओके, हिफ्ज़ कर रहे हैं, वेरी गुड। कुछ सुनाएंगे? कुछ कोई सूरत, कोई आयत नहीं सुनाएंगे? ओके, फिर आप मुझे ये बताएं, आप फ्री जब होते हैं तो क्या करते हैं? फ्रीजर बना तो क्या करता हूँ, तब आई लाइक टू स्पेंड मोर ऑफ माई टाइम प्लेइंग, सॉरी प्लेइंग कॉमेडी, एंड व्हेन आई एम फ्री वेल आई प्ले क्रिकेट। ओके, यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट? यस आई एम फैन। व्हाट एल्स? एंड आई वॉच क्रिकेट। यू लाइक टू वॉच क्रिकेट एंड प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट योर लाइफ? नो नो, हु इज योर लाइफ? माई ब्रदर इज माई लाइफ। योर ब्रदर? Yes. उनका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन, अली हसन को देना है आपने वहाँ देख के कोई पैगाम? You are my elder brother and you are the best brother in the world. You are the elder brother and bestest brother. Brother and the best brother in the world. Okay, you are his elder brother and the bestest brother in the world. Yes. Okay. और हैदर हसन की जिंदगी में क्या एक्टिविटीज हैं? बस फिलहाल सही है। बस ये खाना पीना नहीं चलता? खाना पीना बस दे दें तो खाना खा लेते हैं। जी दे दें तो खा लेते हैं। मिल जाए तो खा लेते हैं। मिल जाए खा। अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते खाने की? वो तो वही तो करते हैं, यानी किचन से अगर खाना आ जाए तो खा लेंगे, किचन में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, चलें जी, मज़े का सवाल है आपके लिए खाने से रिलेटेड ही। वो क्या चीज़ है जिसे खाने से पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, धोया जाता है? गोश्त। गोश्त का? ओके। मछली को? ओके। और दो ठीक नहीं थी? और कुछ नहीं। आगे जाके आपने क्या करना है, बड़े होके क्या बनेंगे? सीएसएस करेंगे। सीएसएस करेंगे, वेरी गुड। और इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? फ्रॉम माय डैड। ओके वेरी गुड। और अगर सीएसएस नहीं तो ऑप्शन बी है, बिजनेस और एनीथिंग एल्स? नो, सीएसएस। एंड फेलियर इज एन ऑप्शन? फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। ओके जी, वेरी नाइस। और कुछ नहीं बताना चाहेंगे अपने बारे में, किस किस्म के इंसान हैं आप? डिसेंट से हैं, शरारती से हैं? नहीं पता मुझे। नहीं पता आपको? चलें, मुझे लगता है कि आप बहुत डिसेंट से बच्चे हैं। ठीक है, फिर तो होंगे डिसेंट से, मुझे लगता है तो फिर तो होंगे। चलें जहाँ से बात करके बहुत अच्छा लगा, इन्जॉय करें और अपना ख्याल रखें। व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम हम और आप। हम मौजूद थे आज चनाब रोड पार्क में और यहाँ पर हुई बड़ी मज़े की लोगों से मुलाकात और बहुत ही खूबसूरत सी बातें हुई, उनके दिल का हाल जाना, और हमेशा की तरह कुछ मज़े के सवाल हुए और हमेशा की तरह ही कुछ बहुत ही मज़े के अजीबोगरीब से जवाब भी सुनने को मिले। तो ऑल इन वन मैंने आज का प्रोग्राम बहुत इन्जॉय किया, एंड आई होप कि आपने भी उतना ही या उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ही सही, लेकिन इन्जॉय ज़रूर किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, नए चेहरों के साथ और नए लोगों के साथ। नए सवालात होंगे, नए आइडियाज़ होंगे। तो अपनी होस्ट माजविन आबिद को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।